स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक हमने क्या जनरेट किया है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जनरेट किया है मैथमेटिकली हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जनरेट कर लिया हमें आइडिया हो गया कि दिस इज दूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अब वो मोवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रोल क्या है वो हम यूज कैसे कर सकते हैं नाउ लुक एट दिस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मूवेंट जनरेटिंग फंक्शन और वी कैन से दैट एन डी एफ द मूमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोवाइड अ वे टू करेक्टराइज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाई जनरेटिंग मूवमेंट्स ऑफ आ रेंडम वेरिएबल्स ठीक है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली क्या कर रही है करैक्टराइज कर रही है प्रॉबलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाई जनरेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द रेंडम वेरिएबल इन द केस ऑफ द मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एम टी एफ कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग मीन वैक्टर यू नो दैट दिस इज द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रीवियसली अभी हमने इसको मैथमेटिकली ड्राइव किया Let's consider an example of the moment generating function for a bivariate normal distribution. We have bivariate normal distribution. according This is the moment generating function. Do you know that this is the exponential t prime mu? This is the mean, and plus 1 by 2. This is the total. This is the function, moment generating function. 1 by 2 t prime sigma t. अब इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने नुमैरिकली कैसे किया है सपोज वी हैव अ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन्स म्यू वन म्यू टू बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का आप रिकॉल करो पीडीएफ क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं विद मीन्स म्यू वन म्यू टू एंड वेरियंस सेगमा वन स्क्र इक्वल्स टू थ्री एंड सेगमा टू स्कर इक्वल्स टू फोर सपोज हमने किए दीज वैल्यूज एंड कोरिलेशन रिलेशन रो विच इज इक्वल्स टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव हमने इसमें को रिलेशन लिया है वी वॉन्ट टू फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जनरेट कर रहे हैं यानी उधर से हम वैल्यूज डिटर्मिन कर रहे हैं द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेसड एज एम टी वन टी टू टी वन टी टू क्यों क्योंकि बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ किया सो दिस इज दी एक्सपोनेंशियल म्यू वन टी वन प्लस म्यू टू टी टू कहाँ है आपके पास प्रीवियस दिस इज दी टी प्राइम म्यू तो म्यू वन टी वन एंड म्यू टू टी टू प्लस हाफ लुकेट दिस दिस इज हाफ तो हाफ को हमने क्या कहा है पॉइंट फाइव देन हमने ये बायरिएट का आगे उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया है सेगमा वन स्केयर टी वन स्केयर प्लस सेगमा टू स्केयर टी टू स्केयर प्लस टू रो सेगमा वन सेगमा टू टी वन टी टू बाय वेरिएट का आप पी डी एफ जरा रिकॉर्ड करो उसकी हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग या आप उसका मूवमेंट जनरेटिंग रिकॉर्ड कर लो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है इन दिस केस वी सब्सटीट्यूट दैल्यूज वी हैव ना फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम्पल म्यू वन क्या है विच इज इक्वल टू वन ना पुट दन टी वन फॉर म्यू टू टी टू म्यू टू विच इज इक्वल टू टू तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया टू टी टू यानी म्यू वन म्यू टू की वैल्यू सेंटर की है देन सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू हमने एंटर कर दी प्लस सिग्मा वन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू थ्री थ्री एंटर कर लिया सिग्मा टू स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर फोर वैल्यू एंटर हो गई है प्लस रो विच इज इक्वल टू पॉइंट फाइव सो दिस इज द सिग्मा वन यहाँ पे आपके पास था ये स्टैंडर्ड एवियेशन है और आपको वेरियंस के वन है तो हमने यहाँ पे क्या किया है स्के रूट ऑफ थ्री यूज कर लिया और उसकी वैल्यू आप डिटर्मिन करके जस्ट पुट कर लो सेगमा टू सेगमा टू आपके पास है स्टैंडर्ड एवियेन और वेरियंस हमारे पास है फोर तो द स्के रूट ऑफ फोर टी वन टी टू सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव दैल्यूज ऑफ दिस दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्सपोनशियल टी वन क्योंकि वन है आपके पास यहाँ पे टी टू के साथ टू वन पॉइंट फाइव टी वन स्केयर यहाँ पे आपके पास ना इसको सॉल्व किया थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई फोर टी टू स्केयर तो फर्दर हमने इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द गिवन बाय वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करो कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है दिस इज द एक्सपोनेंशियल अब आपके पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जनरल किसके इक्वल होता है है दिस इज ई ई की पावर एक्स ना बेसिकली ये अगर मैं सारे को लेट एक्स कह लू ई की पावर एक्स इन जनरल इज टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन और अगर ये माइनस है तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर टू फैक्टोरियल प्लस माइनस अप टू सोन तो हम कंसिडर करें ई रेस्टूपार एक्स अब ई रेस्टूपार एक्स कैसे हम इसे ओपन करेंगे वन प्लस एक्स नाउ दिस इज द टर्म ऑफ एक्स टी वन प्लस टू टी टू वन पॉइंट फाइव टी वन स्क्र दिस इज एक्स Two T two square plus one point four five T one T two. This is the X plus X square over two factorial. So T one plus two T two plus one point five T one square plus two T two square प्लस वन पॉइंट फोर फाइव टी वन टी टू पावर टू डिशन अब आर द ऑफ़ अब हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ टी वन टी वन क्या है प्लस ये प्लस अप टू सोन आपके पास कैरी हो रहा है तो प्लस अप टू सोन हमने कैरी कर लिया है यहां तक हम इसे कर रहे हैं अब यहाँ पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अब हमें इनके कोफिशिएंट्स चाहिए हैं. t1 t2 t1 का कोफिशिएंट t2 का कोफिशिएंट कहाँ से आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ t1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड कोफिशिएंट ऑफ t2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कैसे हमने डिटरमाइन करना है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में से मूवमेंट जनरेटिंग सम कैसे इसको डिटरमाइन कर सो कोफिशिएंट ऑफ t1 सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t1 दिस इज दी वन टी वन का कोफिशियंट क्या है वन तो यू कैन राइट इट वन यहाँ पे भी आपके पास टी वन है बट यहाँ पे क्या है टी वन का होल स्केयर है तो होल स्केयर ये तो टी वन स्केयर हो जाएगा इसलिए मेरे पास कोफिशियंट ऑफ टी वन फर्स्ट पोर्शन में है तो कोफिशेंट ऑफ टी वन हो गया वच इज इक्वल्स टू वन ना फॉर सेकेंड कोफिशेंट ऑफ टी टू टी टू का कोफिशियंट कहा है वच इज इक्वल्स टू टू कोफिशेंट आपके पास यहाँ टू है टू आ गया आपके पास टी टू तो यहाँ पे भी है बट टी टू का स्केयर हो जाएगा ये ना नेक्स्ट द कोफिशंट ऑफ टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल अब ये कैसे डिटर्मिन करना है इसको जरा आप चेक करना कि टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल ना लुक एट दिस दिस इज दी वन स्केयर और हमें क्या चाहिए डिवाइडेड बाय टू फिक्टोरियल बट यहाँ पे टू फिक्टोरियल नहीं है 2 फैक्टोरियल क्या होगा हम इधर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल मींस 2 अगर इधर मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो होगा ना आपके पास तो क्या हो गया 2 1.5 ये सॉल्व करेंगे 2 1.5 हमारे पास आ गया 3 t1 स्क्वायर यहाँ पे देख लो t1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल क्योंकि स्क्वायर टर्म थी अगेन आप यहाँ पे देख लो नेक्स्ट टर्म t1 वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल तो यहाँ आपके पास t1. T1 का square, square तो आ रहा है क्योंकि होल वन है आपके पास है t1 वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल भी है ठीक है जिसको हम टू कह रहे टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल भी है तो t1 का काफिशंट क्या है विच इज इक्वल टू वन टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल तो मैं इनके कोफिशंट देख रही हूँ Square over two, इनके क्या हो थ्री प्लस वन फोर कोफिशेंट ऑफ टी वन फैक्टोरियल कैसे हम इसको डिटर्मिन करें अब है ये आपके पास है टी टू इसके साथ कोफिशंट क्या है टू बट इसका फैक्टोरियल चाहिए टी टू स्वर ओवर टू फैक्टोरियल अगेन टू फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ टू से हम डिवाइड किया है और देन हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू इंटू टू फोर यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल तो इसका इस पर्टिकुलर का क्या है फोर प्लस प्लस के बाद वाली टर्म यहाँ पे आपके पास कहाँ होगा ये है जी आपके पास टी टू इसका स्केयर तो टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल तो आ रहा है हमारे पास ठीक है ना प्लस टू का स्क्यर ठीक है यहाँ पे तो अब हम मुझे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल तो है बट टू का स्क्र फोर टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल ठीक है ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू भी मेरे पास आ गई यहां से मैंने डिटर्मिन कर ली तो कोफिशेंट ऑफ टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया फोर प्लस फोर विच इज इक्वल टू एट गॉट इट? दिस इज एट अब ये कोफिशियंट ऑफ टी वन टी टू टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल टी टू स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल हम क्यों फाइंड कर रहे हैं कोफिशंट ऑफ टी वन क्या शो कर रहा है आपको पास दिस इज द्यू वन ओके दिस इज द्यू वन म्यू वन क्या था पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वन तो हमारे पास भी वही आंसर आ गया वन कोफिशियंट ऑफ टी वन टी वन का वन के इक्वल सेम रिजल्ट कोफिशेंट ऑफ टी टू विच इज इक्वल तो यहाँ पे आपके पास म्यू टू क्या था विच इज इक्वल टू टू वॉट एट ये हमारे पास रिजल्ट फाइंड हो गए फर्स्ट भी हमने कर लिया देन सेकेंड भी हमारे पास म्यू वन भी आगे हैं म्यू टू भी हो गया अब टी वन स्केयर कोफिशंट ऑफ टी वन स्केयर ओवर टू फिक टोटल वेरियंस किसके इक्वल होता हैं आपके पास वेरियंस अगर मैं कहूँ यू नो दैट द वेरियंस ऑफ अगर एक्स सपोज मैं एक्स कह रही हूँ यहाँ आप यहाँ पे टी कह लो सो दिस इज दी बाई डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्केयर सो पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मेरे पास क्या हो रहा है कोफिशेंट ऑफ टी वन स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल फोर तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्केयर विच इज इक्वल्स टू कोफिशेंट ऑफ टी वन स्केयर ओवर टू वेरियंस फाइंड करना है ना आपने बेसिकली तो वेरियंस क्या हो गया यहां पर मेरे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर क्या हो रहा है फोर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वन अगर मैं पर्टिकुलर टी वन के लिए कर रही ये तो जनरल मैंने लिखा है ना टी वन के लिए सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वन वन क्योंकि दिस इज द म्यू वन 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 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू वन तो वेरिएंस ऑफ टी यानी टी वन अगर मैं टी वन के लिए निकाल रही हूँ तो वेरियंस ऑफ टी वन कितना आ गया फोर माइनस वन थ्री रिकॉल करें जी प्रीवियस क्या था सिग्मा वन स्केयर दिस इज दस विच इज इक्वल्स टू थ्री रिजल्ट हमारे पास थ्री आ गया सो नेक्स्ट टी टू वेरियंस ऑफ टी टू कौन सी वैल्यू आई आपके पास दिस इज दाइनस दिस इज द कोफिशियंट ऑफ टी टू उसका होल स्केयर लेना है ना टू होल स्केयर सो एट माइनस फोर टू स्कवल टू फोर सो आपके पास क्या गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ने उसको ईजीली उसके मीन और वेरियंसिस जेनरेट कर लिए तो प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि टी वन दीज आर दी कोफिशेंट हमें आगे यूज करने हैं टी टू के कोफिशेंट गिवन होंगे तो हम वहां पर यूज कर लेंगे अदरवाइज हम उनके मीन और वेरियंस देखो अभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने कैसे उसको जनरेट कर लिया पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने क्या किया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैथमेटिकली तो हमने डेवलप किया था उस मैथमेटिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हमने उसके मीन एंड वेरियंसेज फाइंड किए हैं और हमने यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा कि जो हमें गिवन मीन एंड वेरियंस था वो हमने मूमेंट जनरेटिंग से कैसे डिटर्मिन कर लिया मीन एंड वेरियंस तो ये बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि मोमेंट जनरेटिंग बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग क्या है जो एक्सप्रेशन को बड़े से एक्सप्रेशन को हम इजीली वहाँ से मीन एंड वेरियंसिस जनरेट कर लेते हैं मैथमेटिकली भी एंड द नोमरिकली भी तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यूजिंग दी बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने ये एग्जाम्पल डिटर्मिन किया